हे गाइस, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. आज है 18 अक्टूबर और आज मेरा है वीक ऑफ और आज घर की चलेगी साफ सफाई सारा दिन. सबसे पहले शुरुआत मैंने कर ली है दिन की. मेरी आंखें तभी खुलते हैं जब मैं चाय पी लेती हूँ छुट्टी वाले दिन. पापा ने चाय बना के दे दी है, साथ में खा रही हूँ टोस्ट और इसे इंजॉय कर रही हूँ. घर की हालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है. थोड़ा सा आपको रूम का दिखाती हूँ, मॉम डैड क्या कर रहे हैं आज वो भी दिखा देती हूँ. तो उसके बाद धीरे 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 सारी चीजें करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये देख लो, रसोई हमने खाली करनी शुरू कर दी है. आधी मम्मी ने कल कर दी थी. ये देखो ये क्या हो रहा है, आदान प्रदान चल रहा है कुछ. हाँ जी, आज तो आप भी काम करा रहे हो. और बस ये देखिए, पूरा रैक वैक सब हो गया. बस ये सारी चीजें अभी सेट करते हैं, किचन को धोएंगे अच्छे से. आप क्या कर रहे हैं? और कमरे की हालत भी आपको दिखा देती हूँ. ये देखो, इधर भी बर्तन हैं और इधर भी बर्तन हैं. सब किचन विचन सब आ गई. रात को ही मम्मा ने ये सारी चीज़ें वॉश वगैरह करके ना खाली कर दी थी. बट अभी करते हैं शुरू. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे. मैं सबसे ऊपर चढ़ गई हूँ क्योंकि अब मैं सारे जाले वाले साफ करूंगी. मैंने कहा चलो देखो कितनी ऊपर हूँ मैं. और ये देखो मॉम डैड कितने नीचे हैं. दिवाली आ रही है दोस्तों, अब पापा की परिया उड़ उड़ कर घर के जाले साफ करेगी. पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ. सो गाइज, आज मैंने छुट्टी ली थी ये सोच के कि चलो आज मैं सारा काम वाम करके रसोई साफ करके कमरे भी कर लूँगी. किचन तो मैंने सारी धो ली थी, अभी आपके सामने शेयर किया. फ्रिज भी साफ हो गया. बट एंड टाइम पे एक प्रॉब्लम आ गई गाइज. प्रॉब्लम्स तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ जाती हैं. ये देखो, ये जो हमारी गैस के लिए आजकल आता है ना, ये पाइपिंग लगी हुई है. यहाँ से ना लीकेज की आवाज़ आने लगी बड़ी ज़ोर से. किचन में लगा हुआ ये, और ये पाइप भी टेढ़ा हो गया था तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई. हमने इसको नॉब को बंद किया, फिर से आवाज़ नहीं रुकी. और फिर हमने बाहर से मेन स्विच ऑफ किया और हमने गैस के लिए फ़ोन किया कंपनी में कि आप भेजिए किसी को कि यहाँ पे लीकेज की इशू आ रही है. तो अब ये देखो, ये आए हैं और ये पूरा इन्होंने यहाँ पर सारा दोबारा से गंद कर दिया. इतनी साफ़ सफाई से किया था. और यहाँ पर भी ना ये पूरा नॉब है ना, ऊपर से भी स्लैब को तोड़ के कह रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा काम है क्योंकि इस तरीके से होगा नहीं. तो गाइज, मूड बिल्कुल ख़राब हो गया. मतलब अभी टाइम 12 बज रहे हैं और 12 बजे अभी ये काम है इसको. इनको टाइम लगेगा अच्छा खासा और ये गंद फिर से मचेगा सारा. फिर से साफ़ सफाई दोबारा करनी पड़ेगी. और रूम्स की हालत तो आपको पता ही है गाइज. सारा सामान किचन का रूम्स में है, बाहर है, वो भी हम नहीं कर सकते जब तक ये नहीं हो जाता. वेरी बैड. सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि गैस की लीकेज की वजह से अभी जो है काम किचन का रुक गया है. वो जो भैया लोग आए थे ठीक करने के लिए, वो गए हैं अभी अपने औजार लेने. वो कह रहे हैं कि पूरा इसमें काम करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे का काम है शायद. तो वो अपना काम के लिए लेने गए औजार. तब तक हमें करनी पड़ेगी वेट क्योंकि हमारे रूम्स में भी किचन का सामान फैला हुआ है, बाहर भी. जब तक वो सामान नहीं हटेगा हम लोग रूम भी क्लीन नहीं कर सकते. तो मैंने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज करते, वेस्ट क्यों करना गाइज. तो करना ही था वो तो काम. तो मैं आ गई ड्राॅइंग रूम में. आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो स्पेस है जहाँ मैं रील्स बनाती हूँ. सो मैंने सोचा कि चलो इसे क्लीन कर लेते हैं. ये भी रह गया था मेरा रूम लास्ट में. सो इसे पूरा हम ना नीचे से वॉश वगैरह करके इस रूम को क्लीन करते हैं. तो मैंने ये वाला काम छेड़ लिया है गाइज. सोच रही हूँ कि चलो इसी को यूटिलाइज करते हैं. इसमें मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा. तब तक वो भैया लोग अपना काम करके चले जाएंगे, फिर हम किचन का कर लेंगे शाम तक. बस ये है गाइज कि मार्केट का चक्कर नहीं लग पाएगा, बाकी ये सारे काम तो हो ही जाएंगे. तो करते हैं. सो बच गए हैं गाइस 2. और वो जो रूम मैं आपको दिखा रही थी ना, अभी वो पूरा क्लीन कर दिया है, धो दिया है पूरा अच्छे से. अब सूखने की करते हैं वेट. तब तक लग गई भूख. 2 बज गए हैं, सुबह की चाय पी हुई है सबने, मॉम डैड ने और मैंने. और रूम की हालत वैसे की वैसे क्योंकि किचन का काम अभी अभी ख़त्म करके भैया लोग गए हैं. बस खाना खा के हम किचन में लगेंगे, तब तक रूम भी सूख जाएगा. और खाना मैंने आज बाहर से ही ऑर्डर कर लिया क्योंकि गैस ही में प्रॉब्लम आ गई थी तो खाना बना ही नहीं पाए.
और किचन वैसे भी बाहर है सारी, तो खाना आ गया बाहर से, अब वही खा रहे हैं। सो ये देखिए गाइस, मम्मा खाना डाल रहे हैं। ये हमने एक थाली मंगवाई थी और साथ में मंगाए थे राइस और दाल, ये पापा खा रहे हैं। और इधर देखो रूम की हालत आप देख सकते हो, अभी इसमें और बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तब तक खाना खा लेते हैं फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग रूम तो ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बट अभी मैंने जस्ट टेम्प्ररी बेसिस पे ये कर्टन्स भी धुलने हैं, जिस दिन धुलेंगे उस दिन निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग बेडशीट पूरी नई लेकर आएंगे इस बार, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जब लेकर आएंगे। कुछ सामान शॉप ही नहीं किया गाइज, सो कुछ इस तरीके की लुक आ रही है, अभी थोड़ा क्लीन लग रहा है, एटलीस्ट क्लीन लग रहा है। सो फ्रेंड्स, खाना तो हो गया था, उसके बाद रूम भी सेटअप हो गया है, अब पी रहे हैं चाय। चाय के बिना तो थकावट वैसे भी नहीं उतरती। और बज रहे हैं तीन बज गए गाइज, और अभी तक सिर्फ एक रूम सेट हुआ है और बाहर का सारा काम अभी पेंडिंग है। किचन धुल गई थी, साफ हो गई है, जो भैया लोग करके गए थे वो भी मैंने साफ कर दी है। अब सामान लगाएंगे सारा, उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है, फिर जाके मैं नहाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे नहाते नहाते 6 बज जाएंगे, क्योंकि आज का दिन पूरा मैंने डेडिकेट कर दिया, मार्केट तो नहीं जा पाऊंगी। सो पी रहे हैं चाय, चाय तो आपको पता ही है, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, तो आ जाओ आप भी इंजॉय कर लो। सो गाइज, शाम के बज गए हैं 6:15 और अब मैं आई हूँ नहाकर हेड वॉश करके। सो बस अब किचन में आई हूँ, आप पूरी तरह से ना मेरी बैंड बज गई है सुबह के लगे हुए, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है। बैक मेरी बहुत बुरी तरह से पेन कर रही है अभी, तो पीते थोड़ा सा गर्म पानी। और ये देखिए, आपको दिखाना चाह रही थी गाइज, ये हमने इलेक्ट्रिक केटल नई निकाली है। एक्चुअली हमने ली तो बहुत पहले थी ये प्रेस्टीज की, ये वाली ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास पहले जो है स्टील की थी, स्टील बॉडी वाली, वो हमने रिजेक्ट कर दी, बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे थे, काफ़ी अच्छी चली वो, अभी भी ठीक है, बट हमने चेंज कर ली। अभी नई वाली, अब बेड साफ किए थे ना तो ये मिली हमें, तो हमने ये निकाल ली। तो अब पीते हैं गर्म पानी। तो गर्म पानी पीने से ना गाइस बहुत अच्छा सा फील होता है। अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली है ना, ऑलमोस्ट हो ही गया, ठंडा मौसम तो सुबह शाम का है ही है। सो हमारे घर में तो ना सारे ही गर्म पानी पीते हैं, नॉर्मल वाटर तो हमारे घर में पिया ही नहीं जाता, ठंडा तो छोड़ ही दीजिए आप, तो गर्म पानी चलेगा और इसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा शाम का ब्रंच, पापा से देखा नहीं गया, हम सुबह से थके हुए थे मम्मा और मैं, तो जाके ले आए हैं हमारे लिए, टिक्की लेके आए हैं, गोलगप्पे लेके आए हैं और दही भल्ले लेके आए हैं, तो अब हम इसे करेंगे इंजॉय। सो आ जाओ गाइस आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। और ये देखिए, मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए चढ़ा दिया कुकर में। क्या बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ पुलाव, और ये मटर और आलू काट दिए हैं, ये चावल भीगे हुए हैं, जल्दी से बनाती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। हेलो बोल दो मेरे व्यूअर्स को, हेलो बोल दे व्यूअर्स को, हेलो बोल दे। सो गाइस, ये देखिए छोटी सिस, इससे आज वीडियो कॉल पे बात वैसे तो डेली हो जाती है, आज मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। सो गाइस, ये डिनर बनके हो गया है तैयार, ये देखिए जो मैंने पुलाव बनाया था वो डल गया प्लेट में, बस मैं इतने ही खाऊंगी, मम्मा और मैं एक ही साथ खा लेंगे। और हम ना खाने में तेज पत्ता, मतलब खाने में नहीं, पुलाव में तेज पत्ता जरूर डालते हैं, इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप भी डाला करो। और इसे खाएंगे और फिर आपको बताती हूँ एक जरूरी बात। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली हम लोगों ने दिवाली की शॉपिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी नहीं की है, और आप लोग भी अभी बस कर ही रहे होंगे या फिर कर ली होगी या करने वाले होंगे। सो आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगी कि जब भी अपनी शॉपिंग के लिए जाए ना, वैसे तो आप ऑनलाइन ही बहुत सारी चीज़ें मंगवाते होंगे, मैं भी ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करती हूँ, लेकिन गाइज इस टाइम पे, त्यौहार के टाइम पे स्पेशली, आपको ना छोटे जो दुकानदार होते हैं, जैसे कि फड़ियाँ लगा करके जो लोग बैठे होते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, लेबर क्लास बंदे होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिए लगा के बैठे हैं या फिर डेकोरेशन के आइटम्स बेल लगा के बैठे हैं, आप उनसे ज़रूर शॉपिंग किया करो, उनका भी त्यौहार का टाइम है गाइज। और हमें छोटे लोगों को और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि वो थोड़ी तरक्की करें, वो भी थोड़ा सा कमा लें त्यौहार के टाइम पे। तो बड़ी शॉप से लेना या ऑनलाइन लेना तो आप लोग वैसे भी करते ही होंगे हमेशा, लेकिन इस टाइम पे ना गाइज
ये दिवाली सबके लिए दिवाली होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा अच्छा होना चाहिए इसमें, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे शॉपिंग करनी चाहिए। तो ये प्लीज एक बार आप करके देखिएगा इस दिवाली, ट्राई करिए, और जिससे आप शॉपिंग करेंगे ना उससे मोल भाव भी मत करिएगा गाइस। जो प्राइस वो बेचारे लेते हैं उन्हें वो भी दे सकते हैं आप, कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं लेते वो लोग, और उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी ना आप जब परचेजिंग करके लाओगे तो वो अलग ही होती है। तो किसी को खुशी देने का ये अच्छा मौका है इस त्यौहार पे, तो आप ये जरूर करिएगा गाइस। मैं तो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, जब मैं लेने जाऊंगी शॉपिंग करने आपको दिखाऊंगी, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। कहाँ शेयर करेंगे? इंस्टाग्राम पे, जिसका हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। एंड गाइस इसी नोट पे बज गए हैं रात के 9:30, और बस खाना वाना हो गया है, अब करती हूँ इस व्लॉग को एंड, अभी एडिट करके डाल दूंगी आपको, थोड़ी देर में ये व्लॉग मिल जाएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। आज अभी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बस अब सोने का टाइम है, सो जाएंगे और सुबह ही नेक्स्ट डे की मॉर्निंग ही आपको मिलूंगी। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले फेस्टिवल्स के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। सो चलो मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।